नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो समय हुए शाम के 5, तो ये नजर डालते हैं जम्मू की कुछ अहम खबरों पर। उपराज्यपाल ने नाबार्ड की पोटेंशियल लीक्ड क्रेडिट प्लान का किया अनावरण। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग पर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल ने नाबार्ड की 34,829 करोड़ रुपए की पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान का किया अनावरण। कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास, ग्रामीण आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने में ये योजना होगी सहायक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला और मैंने महसूस किया था कि ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन का ये एक बड़ा आंदोलन भविष्य में साबित हो सकता है और ग्रामीण भारत को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ सकेगा। सभी क्षेत्रों में पहले से हमारे बैंक थे, भारी मात्रा में थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो बदलाव प्रारंभ हुआ है, मैं समझता हूं कि चाहे वो छोटा किसान हो, छोटा दुकानदार हो, खेत में काम करने वाला मजदूर हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ जताया रोष। प्रदर्शनकारी नेताओं और पुलिस के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। महंगाई आज पूरे देश में, इलेक्शन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, लोगों को लॉलीपॉप देके, लोगों के साथ झूठे वादे करके आज दोबारा दूसरे दिन, कल भी डीजल के पेट्रोल के रेट बढ़े, गैस का रेट बढ़े 50 रुपये, और आज फिर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। हमें समझ नहीं लग रही कि जब रशिया ने ऑफ़र किया है इनको कि सस्ते दाम पे डीजल पेट्रोल, और ऑयल कंपनीज ने, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो HP हो, या बाकी ऑयल कंपनीज हैं, सस्ते दाम पे, सरकार को चाहिए कि हिंदुस्तान में महंगाई को काबू करने के लिए जो टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस कम करके वो करना चाहिए, ताकि लोगों के ऊपर को महंगाई की मार से हम बचा सकें और लोगों को रीजनेबल दामों पे हम डीजल, पेट्रोल और बाकी खाने पीने की चीज़ें दे सकें। कि कांग्रेस के साथ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग पर किया प्रदर्शन। कहा, पढ़ाई हुई है ऑनलाइन तो परीक्षाएं भी हो ऑनलाइन। साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। आज हमारा प्रोटेस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के बाहर है और LG एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। भाजपा जो यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से रूल कर रही है, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप देखें कितनी मात्रा में स्टूडेंट्स और यूथ सारा का सारा सड़कों पर है। BSF, CISF हो, बॉर्डर बटालियन हो, NHM वाले हो, डेली वेजर हो, या किसी भी कॉलेज का यूथ हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का यूथ हो, सब अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो मांग परीक्षा को लेकर हो, नौकरियों को लेकर हो, सब जो है वो सड़कों पर है। मतलब अगर आप लोगों से ये कुर्सी, ये पावर, ये युवाओं को लेकर जो पॉलिसीज अगर नहीं बन रही हैं, नहीं संभल रही हैं, तो भैया आप बैठे क्यों हैं? छोड़िए ना, जो पुराने थे वो आपसे सही थे। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है वो 40% की तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान में टॉप कर रहा है किस पर? अनएम्प्लॉयमेंट। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने छन्नी हिम्मत में नेप ट्यूबवेल का कार्य करवाया शुरू। उनके साथ BJP के कई नेता रहे मौजूद। कहा, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भाजपा सदैव प्रयासरत। आज यहां पर एक नए ट्यूबवेल का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह के 3 ट्यूबवेल छन्नी हिम्मत, वार्ड नंबर 50 और 51 में होती जा रही है और आज इसका काम शुरुआत किया गया है। हमारे साथ हमारे ऑनरेबल मेयर श्रीमान चंद्रमोहन जी के सहयोग से ये सारा काम संभव हो पाया। राजकुमार जी हमारे चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, हमारे जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में श्रीमान विनय गुप्ता जी, यहाँ की हमारी स्थानीय कारपोरेटर श्रीमती मीना गुप्ता जी और सभी सहयोगी, मैं डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने एक हिम्मत के साथ इस प्रकार।
घाटी के फहीम नाजिर शाह ने कश्मीरी पंडितों से घर लौटने की अपील। बोले, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर आज भी अधूरा। द कश्मीर फाइल फिल्म को केवल फिल्म के रूप में देखने की अपील। मैं कश्मीरी पंडितों को ये कहना चाहता हूँ कि आप कश्मीर आ जाओ। अगर आप किसी भी प्रकार का थर्ड फील करते हो तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, LG मनोज सिन्हा साहब से, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अगर ये कंफर्ट है, जो इनकी ज़मीन है, जो इनके घर वहाँ पे है, अगर ये वहाँ पे रहने के लिए कंफर्ट है तो इनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए कश्मीर। अगर ये वहाँ पे कंफर्ट नहीं है तो इनके लिए एक कॉलोनी बनाई जाए जहाँ पे इनको बाज़ाब्ते तौर पे पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, जिससे ये थर्ड फील नहीं करेंगे। और जैसे 90 से पहले कश्मीरी पंडित रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कश्मीर के अंदर रह रहे थे, वो एक बार फिर से हो T22 में, एक बार फिर से वो मिसाल कायम हो भाईचारे का, एक बार फिर से वो मिसाल कायम हो। मैं कश्मीरी पंडितों से भी। भाजपा कार्यालय कच्ची छावनी में जनता दरबार का हुआ आयोजन। भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने लोगों की सुनी जन समस्याएं। सेठी ने कहा, लोग खुद आकर अपनी समस्याओं से करवा रहे अवगत। आज वीरवार को यहाँ पे जिस प्रकार से ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगाया गया, इसमें विनय जी जो अध्यक्ष हैं वो भी रहे, इसमें मेरे साथ केंद्रीय जी मंडल प्रेसिडेंट कोकी जी, विनय जी, अपना काफ़ी कार्यकर्ता थे साथ में। आज हर समस्या को यहाँ पे हल किया गया, ऑन स्पॉट लोगों के ब्यूरो गेट्स को फ़ोन किए गए, और उसके साथ साथ आज मचेल वाली बाबा वाली माता, इसके ऊपर भेंट का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया। और मेरा यही मानना है कि जब हम लोगों ने जनता दरबार शुरू किया था, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लोगों को जिस प्रकार से पता चल रहा है, लोग खुद ब खुद आकर भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्य के लिए आ रहे हैं, काम के लिए आ रहे हैं, मेरे को लगता है इसे भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल पे और मजबूत हो रही है, और लोगों का जो विश्वास है। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जेके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।